हाय फ्रेंड्स, मधुर किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए ला रहे हैं कोकोनट लड्डू। कोकोनट लड्डू की रेसिपी बहुत इजी है और खाने में बहुत टेस्टी है, और कोई मेहमान आने वाला हो तो ये तुरंत बन के रेडी हो जाती है। तो इसलिए हमें आज देखना है कोकोनट लड्डू के लिए क्या चाहिए और कैसे कितना लेना है। मैंने ये नारियल का बुरा लिया है 2 कटोरी, पिसी हुई चीनी है 1 कटोरी, और दूध लिया है 1 कटोरी, और घी लिया है। नारियल का बुरा सेकने के लिए घी लिया है 2 टीस्पून। तो देखते हैं, गैस को ऑन कर दिया है और अभी हम इसमें घी डाल देंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, अभी हम उसमें नारियल का बुरा डाल के सेक लेंगे। लो फ्लेम पे ही सेकना है। इसे चलाते रहना है ताकि हमारा बुरा नीचे लगे ना। ये आपको कोकोनट किराना शॉप में भी मिल जाएगा। इसे लगातार चलाने से ये नीचे भी नहीं लगेगा और जल भी बहुत जल्दी जाता है, इसलिए हमें लगातार चलाते रहना है इसे। सिर्फ कलर थोड़ा सा चेंज करना है हमें, ज्यादा देर नहीं, 1-2 मिनट के लिए हम इसे सोते करेंगे। हमने 2 मिनट लो फ्लेम पे सोते कर लिया है, अभी उसके अंदर हम दूध डालेंगे। और मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है और इसके अंदर अभी हम शक्कर डालेंगे। 2 कप बुरे के लिए 1 कटोरी शक्कर और 1 कटोरी दूध चाहिए। इसे अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये जो मैंने नाप लिया है वो बिल्कुल परफेक्ट माप है, आप इसी मेजरमेंट से करें तो बराबर होगा। और बहुत इजी रेसिपी है। हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, 5 मिनट हो गए, लगातार चलाते रहना है इसे। और अभी हमारा दूध और शक्कर भी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं इसमें। अभी लड्डू भी हम बना लेंगे। गैस को हम बंद करके अभी कढ़ाई को नीचे उतारेंगे और लड्डू करेंगे इसके। 2 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे इसे और हाथ को घी लगाएंगे। इस तरह घी लगाने से हाथ को चिपकेगा नहीं और लड्डू भी इजीली बन जाएंगे हमारे। इसे हल्के हाथों से लड्डू को बनाना है। छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे अच्छी तरह से। कोकोनट लड्डू बनके हमारे रेडी हो गए। आप चाहो तो इस पे बादाम की कतरन भी लगा सकते हो इस तरह।
दिखने में भी अच्छा दिखता है, जैसे कि बाहर से लाई हुई मिठाई है। हमारे इतने दो कटोरी बुरे से 20 लड्डू बने हैं। लड्डू हमारे रेडी हो गए हैं। मेरी आज की वीडियो आपको कैसे लगी? मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय।